चाहे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या फिर बॉडी बिल्डिंग, प्रश्न उठता है कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए। आर्नोल्ड 6 घंटे सोते हैं, रॉक 4 घंटे सोते हैं, आइंस्टाइन तो 10-10 घंटे सोते थे, और विक्रम योगी 1 हफ्ते में 7 घंटे से भी कम सोते हैं। तो विशेष ये नहीं कि कितनी देर हमें सोना चाहिए, विशेष ये है कि जब हम जागे हुए हैं तब हम समय का कितना सदुपयोग करते हैं। अधिकतर लोगों की समस्या है कि वे प्रातःकाल जल्दी नहीं उठ पाते, लेकिन जल्दी उठना ही क्यों? नींद प्रकृति का उपहार है, इससे लड़िए मत, क्योंकि प्रकृति से जब भी लड़ेंगे तो हार निश्चित है, क्योंकि हम स्वयं प्रकृति हैं। नींद जब आए तो इसका स्वागत करें, स्वयं को धन्यभागी समझें, छाने दें इसकी खुमारी और लुत्फ उठाएं, क्योंकि भौतिक संसार में बहुत से रस हैं, संभोग, मादकता, स्वादिष्ट भोजन, किंतु नींद के सामने ये सब फीके हैं। नींद अतुल्य है। मनुष्य का शरीर सूर्य द्वारा संचालित होता है, इसलिए स्वास्थ्यवर्धक ये होता है कि हम रात्रि में जल्दी सो जाएं। अब शुरुआत में आप रात को जल्दी बिस्तर पे लेट भी जाएंगे लेकिन नींद नहीं आएगी, लेकिन चिंतित ना हो, आप ऐसा ही करें, जल्दी जाएं रात्रि में और बिस्तर पे लेट जाएं, क्योंकि आप प्रकृति की तरफ 1 कदम उठाते हैं तो प्रकृति आपकी तरफ 100 कदम उठाती है, और उठें तब जब आपकी नींद स्वाभाविक ही खुल जाए, आंख अपने आप ही खुल जाए, जब लगे कि बस और नहीं सो सकता। ये प्रयोग करके देखें, और स्मरण रहे, अलार्म से उठना परम हानिकारक है, और वास्तव में कोई भी अलार्म आपको जगा नहीं सकता, सिर्फ आप ही अपने आप को जगा सकते हो। अलार्म तो सिर्फ कुछ याद दिलाने के लिए होता है, इस चलचित्र को अपना अलार्म समझें और अपने आप को खुद ही जगाएं, क्योंकि यहां कोई सलाहकार नहीं, आप ही अपने दीप हैं। अब वो दीपो भव।